सर एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे? अब ज्यादा पर्सनल बात तो नहीं है ना? अरे नहीं सर, पर्सनल नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत की बात है सर। प्यार मोहब्बत? यार सचिन तुम कब से रोमांटिक होने लगे? सर पहले तो मैं बहुत रोमांटिक था। फिर क्या हुआ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाग गई क्या? नहीं सर, जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसे तो मैं याद भी नहीं। सलोनी की बात कर रहा यार, जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी ठोकरें लगती रहती हैं। सब ठीक हो जाएगा सचिन, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। सर ये चीखने की आवाज सुनी आपने? हाँ यार जंगल चाहिए, तो गाड़ी रोको। सर आसपास कोई भी नहीं है। तो आवाज आई कहां से? यस सर। ओके सर। यस सर। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है सर, रियली फीलिंग गिल्टी। कल रात को हम लोग यहाँ से गुजरे भी, लड़की की चीखने की आवाज भी सुनी, उसके बावजूद कुछ नहीं कर सके। आपकी बात तो है सचिन, लेकिन हमने अंदर जाके देखा था, उस वक्त तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। अब खुद को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, खूनी को ढूंढना ही होगा। हाँ सर, जब तक खूनी को नहीं पकड़ लेते इस लड़की की चीख कानों में गूंजती रहेगी। माय गॉड, बेरहमी से खून किया है, पूरा चेहरा बिगाड़ दिया ताकि कोई पहचान ना सके। कटिल जरा बॉडी को पलटना, देखो खून पीछे भी है क्या? हाँ सर, खून तो है, लगता है गोली आर पार निकल गई है। ये तो बाद में ही पता चलेगा कि गोली आगे से मारी गई है या पीछे की तरफ से। जरा आसपास ढूंढो, अगर किस्मत अच्छी रही तो किसी पेड़ में गोली मिल जाएगी। इसके कपड़ों पे ये पत्ते लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये लड़की जंगल से ही भागती हुई आई होगी। खूनी ने बड़ी प्लानिंग की थी, पहले इसे फोन करके सुनसान जंगल में बुलाया, उसके बाद इसे गोली मारी और गोली मारने के बाद किसी भारी चीज से सर पे और इसके चेहरे पे वार किया कि चेहरा खराब हो गया। कितने बजे देखा तुमने बॉडी को? सुबह 7:30 बजे मैं यहाँ से दूध लेकर गुजर रहा था तो ये मुझे रास्ते पर पड़ी हुई मिली। मुझे लगा शायद बेहोश है, चक्कर वक्कर आ गया होगा, लेकिन पास जाके देखा तो मैं खुद बेहोश होते होते बच गया। बड़ी बेरहमी से मारा है सर उसे। आसपास किसी और को देखा था? नहीं सर। नहीं, सोच के बताओ, कोई कार या बाइक वाला? नहीं सर, कोई भी नहीं। खाजा
बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। सर। तब तक जंगल में चल के देखते हैं, देखिए वहां क्या पता चलता है। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी रात गए ये लड़की जंगल में करने क्या आई होगी। हो सकता है सचिन कोई उसे जबरदस्ती लाया हो किडनैप करके। चेक करो आसपास, देखो कुछ मिलता है क्या। बच्चे की रोने की आवाज। सर, मेरी वाइफ कहती है कि जंगल में जब भी रोने की आवाज आए तो वहां से भाग लेना चाहिए। हैं? नहीं सर। तो फिर क्या? बच्चे की रोने की आवाज आए तो उसे ढूंढना चाहिए सर। हाँ ठीक कहा तुम्हारी वाइफ ने, नहीं तो मैं उन्हें फोन करके पूछने वाला था क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हैं फ्रेडी को। फोन करूं क्या? अरे नहीं सर, मैं बच्चे को किसी भी हालत में ढूंढ के निकालूंगा सर, कसम से सर। लेकिन वाइफ को फोन मत करना। ठीक है ठीक है। उस तरफ से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। क्या आवाज तो झाड़ी के पीछे से आ रही है। एक और लाश, ये बच्चे के रोने की आवाज तो नीचे से आ रही है। लाश को जरा पलटा ना कर। माय गॉड, ये बच्चा ये यहां पे किसने रखा लाश के नीचे? सर हो सकता है ये बच्चा इस औरत का, खूनी ने माँ को मार दिया और बच्चे को छोड़ दिया। खूनी को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी सर, अगर हम लोग वक्त पे नहीं आते तो ये बेचारा भूखा पैसा यूं ही तड़पता रहता। रेडी, तेरा बच्चे को संभाल। सर, भगवान का लाख लाख शुक्र है सर, बच्चे को जरा भी खरोच नहीं आई है। एक काम, इसको बाहर ले जा, बाहर ले जा। इसका तो चेहरा बिल्कुल बिगाड़ दिया है, पहली वाली लाश की तरह। लगता है दोनों ही खून एक ही आदमी ने किए। दोनों औरतों को मार दिया और बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। सर हो सकता है खूनी का कोई रिश्ता हो बच्चे के साथ। और इसे गोली नहीं मारी है, ये देखा गर्दन काट के मारा है। एक को गोली मारी, दूसरे का गला काटा। और सर इस औरत ने पार्टी के कपड़े पहने हुए, लगता है किसी पार्टी से आ रही थी। हो सकता है इसके पति ने से मारा। कोई अपने परिवार के साथ ऐसा कर सकता है? यकीन नहीं होता। अले ले 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 ले, कितना प्याला प्याला बच्चा है। सर सर मुझे दीजिए। हाय शाबाश। अरे सॉरी बॉस, खूनी ने लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया है कि एक भी हड्डी सलामत नहीं बची। इट कांट बी रिकंस्ट्रक्टेड, इसका चेहरा नहीं बन सकता। क्या डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए, इस तरह हार मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं, हार कैसे मानेंगे, बताएंगे ना कुछ तो। अरे डॉक्टर तारिका आप बताइए, इस लाश की क्या खबर है, इसका चेहरा बनाया जा सकता है? नहीं अभिजीत, खूनी ने दोनों लाशों का चेहरा बिल्कुल तहस नहस कर दिया, इसका चेहरा भी नहीं बन सकता। कमाल है, इसका चेहरा भी नहीं बन सकता, इसका चेहरा भी नहीं बन सकता, तो फिर हमें यहाँ बुलाया क्यों है? काम की बात हो बताइए, नहीं तो हम लोग चले यहाँ से। बता रहे काम की बात बता रहे, बस इस लड़की की मौत गोली लगने से हुई और वो जो लड़की है उसकी गर्दन पे चाकू से वार किया गया है। वाह क्या बात है, ताली बजाओ ताली। अरे डॉक्टर साहब हमें भी मालूम है इस लड़की की मौत गोली लगने से हुई है और इसका गला काटा गया है, कुछ काम की बात हो वो बताइए ना।
और काम की बात यह है बॉस कि वो जो गोली इस लड़की को लगी है वो पीछे से लगी है। ये हुई ना कुछ काम की बात, कुछ कुछ और मिल सकते हैं? हाँ मिल सकता है। इस लड़की को मरे हुए 9 घंटे हो गए हैं। और ये लाश जो आप लोगों को सुरंग में से मिली है, इसे मरे हुए करीब 30 घंटे हो चुके हैं। मतलब इन दोनों को अलग अलग वक्त मारा गया है जंगल में। बॉस उस लड़की के मरने की तारीख है 12 नवंबर और ये लड़की 13 नवंबर को मरी है। मतलब सर ये बच्ची 12 नवंबर से वहां अकेले रो रही थी। अच्छा डॉक्टर साहब ये डीएनए रिपोर्ट आई क्या? ये बच्ची इसी की है ना जिसकी लाश हमें सुरंग में से मिली थी? अभी जी डीएनए रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, तुम्हें मालूम है यार। अरे डॉक्टर साहब बाहर एक खूनी खुला घूम रहा है, पता नहीं किसको शिकार बनाने की ताक में है, बस वक्त नहीं हमारे पास। देखो अभिजीत डीएनए रिपोर्ट भले ही ना आए लेकिन उस बच्चे के बालों पे से और स्किन पे से और इन दोनों के लाशों पे से हमें एक ऐसी चीज मिली है जो आपको इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आएगी। अच्छा वो क्या है? कॉटन फाइबर्स। रुई के रेशे? वो रुई के रेशे जो कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये कपड़ा बनाने वाली रुई सर इनके कपड़ों पे कहां से आई? क्योंकि वहां जंगल और सुरंग में से तो हमें रुई के रेशे नहीं मिले थे। ये रुई के रेशे जंगल में से नहीं आए हैं सचिन, जरूर इन तीनों को किसी ऐसी जगह रखा गया था जहां पे रुई के रेशे थे। हाँ? शायद किसी कॉटन मिल में। सर जंगल के सबसे करीब यही एक कॉटन मिल है और सुना है कि ये भी 1 साल से बंद है। बंद पड़े हुए घरों में मिलों में और फैक्ट्रीज में सबसे ज्यादा चोरी। यहाँ का मालिक कौन है कुछ पता चला? सुभाष नाम का कोई आदमी है सर। सुभाष उसे बुलाए यहाँ पे। बहुत जल्दी है तुम्हें इस मिल की साफ सफाई करवाने की? हाँ कोई लाश वाश पड़ी है क्या अंदर? What nonsense? कौन है आप लोग? आप कौन है और इस बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं? मैं इस मिल का मालिक हूँ, चाहे मिल बंद पड़ी या खुली मेरी मर्जी। तो आप हैं मिस्टर सुभाष? हाँ जी हाँ। और आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ कैसे? अब जहाँ जहाँ जुर्म होगा वहाँ सीआईडी को तो आना ही पड़ेगा। आप लोगों कोई गलत फहमी हुई, यहाँ कोई जुर्म नहीं हुआ है। अच्छा हम इस मिल की तलाशी लेने वाले हैं। क्यों? देखते रहो इस मिल में एक लाश छुपाई गई थी। देखिए इतनी बड़ी मिल में क्या कोई लाश छुपाने के लिए रखी है? देखिए सर आप मेरी बात सुन नहीं रहे, आप जानते नहीं कि मेरी पहुंच कहां तक है। एक फोन काफी है आपका जो तबादला करने के लिए। देखिए ऑफिसर आप जानते नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। आप सर नो इंसाफ को एक दो चुटकुले सुनो बाहर ले जाओ। क्या कर रहे हैं आप? आइए आइए। हेलो आइए सुनिए ऑफिसर। एक मच्छर था बहुत बड़ा, आइए। सर ये देखिए सर खून के धब्बे। हमारा शक सही निकला, यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। एक काम करो इस खून के सैंपल उठा लो और इस मिस्टर सुभाष को जरा यहाँ पे लेके आना। सर या सर मिस्टर सुभाष आप कह रहे थे यहाँ पे कोई जुर्म नहीं हुआ। हाँ? ये क्या है? अगर यहाँ पे कोई जुर्म नहीं हुआ तो ये खून कैसे? ये खून कहाँ से आ गया? अब इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हाँ? सर ये देखिए सर मेरी टिकट, मैं तो 1 महीने से इंदौर में था, शायद मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कोई अंदर घुस गया होगा। सर इंदौर से वापस आते ही मिल की साफ सफाई का ख्याल कहाँ से है तुम्हें? हाँ
ये मिल एक साल से बंद पड़ी है ना? सर मैं मिल बेचना चाहता हूँ, एक दो दिन में पार्टी भी आने वाले, इसलिए मैंने साफ सफाई करने की सोची सर। अब ये मिल बेचना तो दूर, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता कोई भी आदमी मिल के अंदर घुसेगा तक नहीं, समझे? जन ये देखिए सर, क्लब का क्लब एरा। सर ब्लड सैंपल्स ले लिए। गुड, देखते हैं ये खून उन दोनों लड़कियों में से किसी का है भी या नहीं। यस, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। गया, वही हुआ जिसका डर था। हाँ, मुर्दों की जीत होगी, लाशें खा गई सालों के को। अरे अरे यार, तुम लोग आ गए, आ जाओ। नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही आए थे, जा रहे हैं। नहीं आओ ना यार। नहीं नहीं सर, फिर मिलेंगे। अरे सुनो, ए रुको यार, अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। वाकई? हाँ यार वाकई, कम कम। हाँ, मैं तो लगा कि क्या लगा लगा कि सालू के गया है। हाँ सर, दो मिनट के लिए तो हमारी दिल की धड़कन ही रुक गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो अमेजिंग डांस कर रहे हैं, वो किस खुशी में कर रहे हैं? अरे बॉस, मुझे वो सब कुछ मिल गया है जो तुम्हें चाहिए था। यस, देखो वो जो खून के ट्रेसेस मिले थे ना तुम्हें मिल में, वो उसी दूसरी लड़की के। हमारा शक सही निकला। मरने से पहले इस लड़की को कॉटन मिल में रखा गया था उस बच्चे के साथ। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। नेट? क्या पता चला डीएनए रिपोर्ट से? रिपोर्ट के मुताबिक वो बच्चा ये पहली वाली औरत का नहीं है, बल्कि ये दूसरी वाली औरत का, जिसकी लाश आप लोगों को सड़क पे से मिली थी। क्या, ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है सचिन, ये लड़की जिसकी मौत 13 नवंबर को हुई है गोली लगने की वजह से, ये बच्चा उसी का है। अगर ये औरत उस बच्चे की माँ है तो इसका बच्चा इस दूसरी औरत के पास कैसे पहुंचा जो एक दिन पहले मर चुकी थी? हाँ यार, केस में एक अजीब पहेली बनती जा रही है डॉक्टर साहब। दो लड़कियों का खून हुआ, दोनों की लाशें आसपास मिली, पर दूसरी औरत एक दिन पहले मरी। सर ये भी तो हो सकता है कि ये औरत जिसकी हमने चीख सुनी थी, ये पहली औरत, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हो खूनी से। हाँ हो सकता है, और इसीलिए इसने अपने बच्चे को बचाने के लिए इसके पास छिपा दिया। अब किसी भी तरीके से हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों औरतें हैं कौन। सचिन जरा वो पास देना, पीरा क्लब का पास में सर, ये। क्लब एरा। सर डिस्को तो रात को 9 बजे खुलेगा, अब वो जल्दी आ गए सर। हमने सोचा कि रात को टाइम मिले ना मिले, अभी थोड़ा डांस कर लेते हैं। अभी तो डांस? मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से। आप सीआईडी से? वेलकम सर, आई एम डीजे, डीजे सनी। 12 नवंबर की रात को यहाँ पे कोई थीम पार्टी हुई थी इस डिस्क में? 12 नवंबर की रात? हाँ 12 नवंबर। यस सर, एक थीम पार्टी थी, आपने अखबारों में तो उसका एड पढ़ा ही होगा। ये उस थीम पार्टी का एंट्री पास था? जी हाँ। इस फोटो को ध्यान से देखो। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ इसे? खून हो गया इस लड़की का। इतनी बुरी तरह, चेहरा भी पूरा खून से लथपथ है। हाँ, मरने से पहले ये लड़की डिस्को में आई थी उस थीम पार्टी में। इस लड़की को पहचानने की कोशिश करो, इसके कपड़ों को जरा ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। ये कपड़े तो, ये कपड़े, अरे हाँ, ये कपड़े तो शायद सौम्या ने पहन रखे थे, सौम्या कुमार। सौम्या कुमार? जी हाँ, वो एक मॉडल है, वो अक्सर एड्स और म्यूजिक वीडियो में आती रहती है, आपने भी सर कभी टीवी पर देखा होगा। हम लोगों को टीवी देखने का तो टाइम मिलता नहीं है। इस लड़की का एड्रेस दे दो। सर एड्रेस तो नहीं है,
पर हाँ एक फोटोग्राफर जानता हूँ उसके पास होगा। तो लगाओ फोन उसे। हेलो, हाय अशोक यार, वो मॉडल ना है सौम्या, उसका एड्रेस देना। हाँ 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 बोल। हाँ बिल्डिंग नंबर 19, हाँ शांति नगर। हाँ हाँ ओके ओके, हाँ बात करता हूँ। सुन लिया हमने, थैंक यू। सौम्या कहीं घर है? जी हाँ, सौम्या घर पर नहीं है। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। थैंक गॉड आप लोग आ गए। देखिए मैं सौम्या का हस्बैंड हूँ नील। मेरी वाइफ के बारे में कुछ पता चला? पता तो चला है मगर खबर कुछ अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो उसकी मौत हो गई है। व्हाट, मौत? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी बली तो थी वो। किसी ने खून कर दिया उनका। खून? नहीं नहीं नहीं, मेरी सोने का खून नहीं हो सकता। वो नहीं मर सकती। संभालो अपने आप को। सौम्या की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, सौम्या की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, आखिरी बार तुमने कब देखा था उसे? सर 2 दिन पहले हम दोनों क्लब एरा गए थे। कितनी खुश थी वो, पर मुझे क्या पता था कि वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। क्लब में तो वो तुम्हारे साथ में थी, तो गायब कैसे हो? सर मैं 5 मिनट के लिए नीचे गया, फिर जब वापस आया तो देखा कि वो वहां पे थी ही नहीं। सर फिर क्या किया तुमने? मैंने उसे फोन लगाया पर सर उसका फोन भी नॉट रीचेबल बता रहा था। फिर मैं दौड़ता हुआ नीचे गया तो देखा कि वहां पर हमारी गाड़ी भी नहीं थी। पार्किंग में कार नहीं थी? मुझे लगा कि वो बिना बताए कहीं चली गई होगी। सौम्या ऐसे बिना बताए कार लेके क्यों गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग घूम रहा है मेरा सर। ये घर में इतने सारे गुलदस्ते, कोई पार्टी वार्टी थी क्या? सर मत पूछिए सर, इन गुलदस्तों ने जीना हराम कर दिया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? सर सौम्या का कोई फैन है जो उसके पीछे दीवाना है, हर रोज उसे फूल बेचता रहता है। सौम्या ने उसे कई बार डांटा सर मगर वो सुनता ही नहीं है। ये देखिए सर, ये वाला गुलदस्ता उसने कल ही भेजा है। फ्रेग्रेंस फ्लोरिस्ट, इस फूल वाले से ही पता चलेगा कि सौम्या का ये दीवाना है कौन। कौन सा बुके चाहिए सर? फ्लैट नंबर 501, बिल्डिंग नंबर 19, शांति नगर में कौन सा बुके भेजते हो? आप हम लोग सीआईडी से। मालूम है कौन रहता है वहां पे? सौम्या नाम की लड़की रहती है वहां। उसे बुके कौन भेजता है? रॉकी नाम है उसका। ये रॉकी रोज आता है? जी। कितने बजे आता है? बस आता ही होगा, यही टाइम है उसका आने का। अच्छा, जब ये रॉकी आए तो इससे ये मत कहना कि हम लोग यहाँ पे। हाय ब्रदर, मेरा वो स्पेशल वाला बुके तैयार है। हाँ है। क्या बात है, दैट्स सो ब्यूटीफुल। ये बुके काफी महंगा है। क्यों, तुम कौन हो?
अरे क्यों पंगा ले रहे हो यार? अरे क्यों मारा सौम्या को? सौम्या मर चुके हैं। ज्यादा नाटक मत करा, दो चार हाथ पड़ेंगे ना तो जिंदगी में दोबारा बुके नहीं भिजवा पाएगा। सर मैं तो उसके लिए फूल भेजने वाला था। जानता था ना कि सौम्या शादीशुदा है, फिर भी उसे रोज फूल भेजता है। सर मैं उसका चाहने वाला था, और अगर वो शादीशुदा है उसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तेरी क्या गलती? एक शादीशुदा औरत को फूल भेजकर तंग करता है और कहता है तेरी क्या गलती है? जो किया खून सौम्य का। मैंने नहीं किया सर खून। 12 नवंबर की रात क्लब हीरा गया था ना तू? क्लब हीरा? सर मैं तो एक क्लब वगैरह जाता ही नहीं हूँ, और अगर मुझे पता होता कि सौम्या मर चुकी है तो मैं उसके लिए फूल खरीदने यहाँ नहीं आता सर। नहीं सर मैं विवेक, मोबाइल कंपनी से सौम्या की कॉल डिटेल्स मिल गई है। तो ये वही नंबर है जहां से सौम्या को फोन आया था जब वो क्लब हीरा में थी। रुक जा विवेक, 12 तारीख को सौम्या को सिर्फ एक ही फोन आया था, रात 11 बजे। यस सर, मैंने टेलीफोन कंपनी से पता किया है, ये एक पीसीओ का नंबर है। पीसीओ का नंबर है? हाँ सर, मंगल नगर में जो पीसीओ है ये उसी का नंबर है। मंगल नगर? ये मंगल नगर तो जंगल और कॉटन मिल के बीच में है, काफी सुनसान इलाका है। कैसी जगह पे फोन बूथ बनाया हुआ है, इतनी सुनसान जगह पे? हाँ सर, ये तो काफी पुराना बूथ लगता है, काफी सालों से कोई आया भी नहीं। पता नहीं चल भी रहा है कि नहीं। देखो यहाँ से फोन किया गया है क्या? सर फोन तो चल रहा है। फोन चल रहा है? जरा अपना नंबर डायल कर। कौन सा नंबर है? तो ये तो वही नंबर है जिससे सौम्या को फोन आया था। फिर मुझे तो लगता है कि सौम्या के खूनी ने सौम्या को फोन करके यहाँ बुलाया होगा और उसके बाद यहीं कहीं उसका खून कर दिया। सौम्या पक्की पार्टी छोड़ के इतनी रात को इस सुनसान जगह पे सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से आ गई। कौन हो सकता है जिसने कॉल किया है, और ऐसा क्या कहा होगा उसने? काम करो, आस पास अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई सबूत मिलता है क्या। खून? खून कहाँ से आया यहाँ पे? काजल इस ब्लड का सैंपल ले लो। सर 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 वो देखिए सामने कार, इंसान जगह पे कार कहाँ से आ गई? यहाँ तो दो दो कारें, आस पास कोई दिख भी नहीं रहा। सर सर ये कार तो सौम्या की, WN933313। ये सौम्या की कार है तो फिर ये दूसरी कार किसकी है? हो सकता है ये कार खूनी की हो। खूनी अपनी कार यहाँ छोड़ के क्यों जाएगा? कार को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई आईडी मिलता है क्या। सर ये सौम्या अपनी कार में यहाँ पे आई, कार पार्क की और फिर यहाँ से पीसीओ की तरफ गई। जो कुछ भी हुआ इस पीसीओ पे ही हुआ है, इतना सारा खून मिला है हमें यहाँ पे। हाँ सर, एक बात तो साफ है सर कि इस खूनी ने सौम्या को यहाँ मारने के इरादे से ही बुलाया था, क्योंकि कोई किसी को सुनसान इलाके में क्यों बुलाएगा। कार में कोई आईडी प्रूफ तो नहीं मिला, बच्चे का सामान मिला है, डायपर्स, दूध की बोतल और एक खिलौना। तो ये सारा का सारा सामान उसी बच्चे का तो नहीं है जो सौम्या की लाश के पास से हमें मिला था रोता हुआ? हो सकता है वो बच्चा हमें सौम्या की लाश के पास से मिला था
उस बच्चे की माँ वो सड़क पे हमें काफी दूर मिली थी। सर कहीं ये दूसरी गाड़ी उसी औरत की तो नहीं? हो सकता है, मगर दूसरी औरत है कौन? संबंध क्या है उसका सौम्या के साथ जो इतनी रात को ऐसी वीरान जगह पे सौम्या का पीछा करते करते यहाँ पे आ गए? सचिन जरा आरटीओ से पता करो किसके नाम पे है ये कार। मेरी बीबी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं अकेले जीकर क्या करूंगा? देखिए हमें भी इस बात का बहुत दुख है, लेकिन ये हुआ कैसे? BX30B349 ये आप ही की कार है ना? तनिषा किसी सौम्या नाम की लड़की को जानती थी? सौम्या? सौम्या कुमार। देखिए आपकी बच्ची हमें एक लाश के पास से मिली है और वो लाश सौम्या की है। सौम्या का भी खून हो गया? आप सौम्या को जानते हैं? तनिषा सौम्या की डिजाइनर थी। सौम्या के शूटिंग के सारे कपड़े तनिषा ही डिजाइन करती थी। तनिषा एक फैशन डिजाइनर थी? हाँ, 2 महीने पहले ही सौम्या ने तनिषा को काम पर रखा था। बहुत खुश थी, सौम्या उसे अच्छी सैलरी दे रही थी। 12 नवंबर की रात तनिषा कहाँ पे थी? वो किसी डिस्को में गई थी क्या, किसी पार्टी के लिए? 12 नवंबर? हाँ, इसी दिन तो तनिषा गायब हुई थी। गायब हुई थी कहाँ से? हम तीनों, मैं, तनिषा और मेरी बच्ची डिनर के लिए गए थे होटल एलिट रेस्टोरेंट में। फिर क्या हुआ? खाना ऑर्डर करके मैं वॉशरूम गया और तनिषा बच्ची के साथ कॉरिडोर में टहल रही थी। फिर वापस आके मैंने देखा तो तनिषा कुछ परेशान थी। परेशान थी किस बात से? ये तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन कहा कि अर्जेंट काम आया है, इसी वक्त जाना पड़ेगा। कहाँ जा रही थी, कुछ तो बताया होगा? नहीं, कहा कि ये वक्त नहीं है बात करने का, आने के बाद बताऊंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। बच्ची को अपने साथ क्यों लेके गई थी? बच्ची तनिषा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी, रोने लगती थी इसलिए। नाम क्या बताया रेस्टोरेंट का? इलीट रेस्टोरेंट। मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं जरा सोच समझ के बताना। इस फोटो को ध्यान से देखो, ये औरत 2 दिन पहले तुम्हारे यहाँ डिनर के लिए आई थी क्या? वैसे 100-150 लोग यहाँ पर रोज आते हैं सर। इस औरत के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, वो अपने पति के साथ आई थी, इसके साथ। अरे हाँ, ये तो वही लड़की है जो मुझ पर अचानक भड़क गई थी। अचानक भड़क गई थी, ऐसा क्या हुआ था? उसने मुझसे मिनरल वाटर मंगवाया, मैं बोतल लेकर गया तो कॉरिडोर में खड़ी थी, अचानक मुझ पर भड़क गई, मुझे कहा कि निकलो यहाँ से, तंग मत करो मुझे। कमाल की बात, पहले पानी मंगाया और फिर चिल्लाने लगी। जी सर, तनिषा के हस्बैंड ने भी यही कहा था कि जब वो बाथरूम से बाहर आया था तो तनिषा कॉरिडोर में ही खड़ी थी। सर जरूर कॉरिडोर में कोई उससे मिलने आया होगा। हो सकता है निखिल। अच्छा ये बताओ कि ये CCTV कैमरा कॉरिडोर में भी लगे हुए? जी सर। तो दिखाओ फिर क्या रिकॉर्ड हुआ है। आइए सर। ये तुम दोनों देख रहे हो, ये तनिषा यहाँ खड़ी होकर इन दोनों की बातें सुन रही है। हाँ सर, और जो कुछ भी उसने सुना लगता है बहुत भयानक था, इसलिए उसके होश ही उड़ गए। और ये दोनों कैमरे की तरफ पीट करके बैठे हैं, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ये जैकेट तो पहचाने लग रही है। कहाँ भी दिखा है सर? यही मैं भी सोच रहा हूँ, ये क्लब ही रहा, वहां पे डीजे सनी ने ये जैकेट पहन रखी थी। यानी कि सर डीजे सनी का भी संबंध है तनिषा और सौम्या के खून से। एक काम करते हैं, देखते हैं ये डीजे सनी क्या राग अलाप रहा।
यहाँ तो कोई नहीं। अरे कौन है आप लोग, अंदर कैसे हैं? क्यों बिना पूछे अंदर आना मना है साहब? किससे पूछे? मेरे से। तुम्हें कहाँ होना चाहिए था? बाहर। बाहर? आइंदा अपनी ड्यूटी से भागे और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश की तो समझ लेना। कहाँ गए थे तुम? साहब टॉयलेट गया था। पिछली बार तुमने देखा था ना हमें? हाँ, आप लोग तो सीआईडी से है ना? ये सनी कहाँ है? वो तो आज आए नहीं साहब। शाम को तो आएगा ना? मालूम नहीं मैडम। रहता कहाँ है वो? साहब मालूम नहीं है। यहाँ का मैनेजर कहाँ? नहीं आए साहब आज। तो फिर मैनेजर को फोन करो और इस सनी का एड्रेस पूछो जल्दी। साहब फोन नंबर तो है नहीं मेरे पास। अरे अगर तुमको ड्यूटी पे कुछ हो जाता है तो तुम किसको फोन करोगे? आपको साहब। आप लोग शाम को आइए ना। कमाल है सर, पिछली बार जब हम आए थे तो सनी दोपहर में भी यहाँ था और आज कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग शाम को आ जाते हैं। हेलो, अरे यहां सब गड़बड़ हो गई है, सीआईडी वाले फिर से आए थे क्या? अरे नहीं नहीं, यहां आने की गलती भी मत करना, और मैं तो कहता हूं कि ये शहर ही छोड़ दो। ये हथौड़ा किसने मारा? किससे बात कर रहा था? रॉन्ग नंबर था साहब। रॉन्ग नंबर अभी राइट हो जाएगा। मैं कौन हूं? कौन है? स्कूल में हेडमास्टर मारा करता था और शादी के बाद बीवी भी कभी कभी हाथ साफ कर लेती है, तो पर ऐसा चाटा कभी नहीं खाया मैंने आज तक। हट, जल्दी से अपना मुंह खोल और बता ये सारा चक्कर आखिर है क्या? अरे अब मिलेगा मेहनत का फल, अब हमें पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। अबे तू कमी की बात कर रहा है, अब तो पैसों से मालामाल होने के दिन आया है। लेकिन हमें ये मालामाल करने वाला है कहाँ? अरे आता ही होगा जाएगा कहाँ? ये तो रॉकी है, सौम्या का वो दीवाना आशिक, ये दोनों तो वही है जो जिन्हें हमने वो एलिट रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज में देखा था। बहुत अच्छा काम किया है तुम दोनों ने। थैंक यू बॉस। अब प्लीज हमें हमारे पैसे दे दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी शहर से दूर जा सके। शहर से क्यों? मैं तुम दोनों को दुनिया से दूर भेज देता। क्या मतलब सर? मुझे पहले से इसकी इंदौर वाली कहानी पे भरोसा नहीं था। चलो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? ये तो धोखा है सर, ये तो चीटिंग है, ये गलत है सर। चोर के घर चोरी करना मेरी पुरानी आदत है। ओके भाग 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 भाग। लोगों को रंगे हाथ पकड़ना सीआईडी की पुरानी आदत है। मैं मुजरिम नहीं हूं ऑफिसर, आपकी कसम। मेरी कसम खा रहा और वो भी झूठी? पता ही नहीं चला मेरा प्लान कैसे फेल हो गया।
मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऐसा ही होता है, जहां जहां सीआईडी ने हाथ डाला अच्छे अच्छे प्लान फेल हो जाते हैं। तू तो एक मक्खी है, क्यों मारा सोमिया और तनिषा को? सोमिया ने मुझे सड़क पे लगे खड़ा कर दिया था। ऐसा क्या किया उसने है? 2 साल पहले सोमिया के लेके मैं दिल्ली में एक फैशन शो रखा था, आखिरी मिनट में वो शो पे आई नहीं, उसने मुझे धोखा दिया। इतनी सी बात के लिए तूने उसकी जान ले ली? मेरा लाखों रुपए का नुकसान हुआ, स्पॉन्सर ने मुझ पे एक केस कर दिया, फिर इतनी बदनामी हुई कि मुझे इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। सर इसने हमें पैसे दे दे सर, इसलिए हम इसका काम में साथ देने के लिए तैयार हूं। सौम्या से प्यार करते थे ना तुम, हाँ? तो उसकी जान बचाने के बजाय तुमने उसकी जान ही ले ली। सर वो मुझसे नहीं बल्कि अपने पति से प्यार करती थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे में उसके जीने का फायदा है क्या। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सौम्या किसी की बीवी थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। वो तुम जैसे जानवर लोगों की जिंदगी के साथ ऐसे खेलते हो जैसे वो इंसान नहीं कठपुतली हो। तनिषा ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? रात को एलिट रेस्टोरेंट में उसने हमारा प्लान सुन लिया था। इससे पहले तनिषा समय कुछ बता पाती हमने उसे रात 11 बजे कॉल किया और कहा कि उसके डैडी का एक्सीडेंट हो गया। तो इसीलिए सौम्या वहां पे सुनसान जंगल में पहुंच गई जहां से तुमने उसे फोन किया था। हाँ सर, हमें क्या पता था कि तनिषा भी सौम्या के पीछे पीछे आ जाएगी और हमें खून करते हुए देख लेगी। ये दोनों बेवकूफ सोमिया की लाश छुपाने के लिए मेरे कॉटन मिल में लेके आए। इतना ही नहीं, ये गधे लोग तनिषा और बच्चे को भी ले आए, तो मैंने कहा कि इन तीनों को ठिकाने लगा दो। हम ठिकाने लगाने वाले थे कि तनिषा हमारे कब्जे से भाग गए और न जाने बच्चे को कहाँ छिपा दिया। तनिषा तो हमें मिल गई पर वो बच्चा नहीं मिला। तुम लोगों की बातें सुनकर लगता है कि तुम तीनों की गर्दन यही मरोगे तुम, पर अफसोस हाथ बंधे हुए तुम तीनों को भी वही दर्दनाक मौत मिलेगी जो तुम लोगों ने उन दो औरतों को दी थी। एक मासूम बच्चे से उसकी मां छीन ली तुम लोगों ने, फांसी होगी तुम लोगों को, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.